हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस की। और जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं इनडेफिनेट टेंस की, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने बात की है प्रोग्रेसिव टेंस की, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब कंटिन्यूअस टेंस में जब हमने बात की, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात की है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। और हिंदी में कैसे पता चलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे या रही थी आएगा और वॉज वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अभी आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए, हमने रूल किस तरह से बनाना होता है। फ्यूचर आप रिकॉल करेंगे कि फ्यूचर क्या है, जब गा गे गी लगता है तो हम कहते हैं कि दैट इज द फ्यूचर टेंस। और ये क्या है? कंटिन्यूअस, यानी कि रहा। तो हमने हिंदी में कैसे बनाया? क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये बन गया रहा और ये गा गी लगा है, सो हमने लिखा रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। ओके, सो जब किसी भी सेंटेंस के एंड में हिंदी में आएगा रहा होगा या रहे होंगे या रही होगी, तो हम कहेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल क्या है? इंग्लिश में जब हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हम लगाएंगे विल बी, शेल बी। और यकीनन चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और क्या लगेगा? आई एन जी। तो वो हमने एज सच लगाता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल ही है, वह खाना खा रहा होगा। अब जब आपने देखा कि रहा और होगा, तो रहा मीन्स कंटिन्यूअस और होगा गा गे गी यानी कि फ्यूचर, तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने रूल्स को रिकॉल कर लिया। अब हम चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि रहा होगा तो हम लोग क्या जो है वो ही की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां क्या लिखा? ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। ओके, चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो रूल है कि बी लगेगा साथ में, तो हमने विल के साथ क्या लगाया? बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, खाना क्या? खाना दैट इज फूड, सो दिस इज ईटिंग फूड, सो ही विल बी ईटिंग फूड। अब इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, यानी कि जिसमें नहीं लगा होता है, तो हम सेंटेंस हिंदी में बना सकते हैं, वह खाना नहीं खा रहा होगा। तो सिंपल, जब चेंज करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। सिंपली आपने विल के साथ क्या लगाना है? नॉट। अब इसी को मैंने लिया है इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन पूछा है, क्या वह खाना खा रहा होगा। अब देखिए, क्या वह खाना खा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। सो हमने क्या करना है? क्योंकि हमें तो पता है सिंपली जो है सिंपल सेंटेंस में इसको जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो यहां पर विल जो है ये पहले आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा? ई, उसके बाद बी, फिर ईटी, फिर आ गया फूड और देन साइन ऑफ इंटरोगेशन दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो हमारे पास सेंटेंस बन गया विल ही बी ईटिंग फूड, तो ये हमारा बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने जो है तीनों, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, उनके रूल्स को डिस्कस कर लिया है। और अब हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ओके, सेंटेंसेस मैंने लिख के रखे हैं, सिंपली रूल्स को रिकॉल करना है और हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। पहला सेंटेंस जो है वो लिखा है, वह सोता है। जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो एकदम से रूल को रिकॉल करेंगे। हमने नोट किया कि लास्ट में क्या लगा है? ता है, सो हमें पता चल गया ता है, ती है, ते है। जब किसी सेंटेंस के एंड में आएगा हिंदी में, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने क्या करना है? पर्सन लगाया वह, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सोने को इंग्लिश में कहेंगे स्लीप, तो यहां स्लीप लगाया, चूंकि थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर लगाएंगे एस। तो सेंटेंस हमारे पास बन गया ही स्लीप्स। अब है हमारे पास वह सो रहा है, रहा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। तो रूल क्या है? इज एम आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हम लगाएंगे यहां पर, करिए चेंज मेरे साथ,
ही बी के साथ इज और सोने में इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्लीप लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सो ये बन गया ही इज स्लीपिंग अब है वह सो गया गया खाया रोया पिया तो कौन सा है सिंपल पास्ट टेंस तो रूल क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम यहां लगाएंगे ही स्लेप्ट अब वह सो रहा होगा वह सो रहा होगा अब देखो रहा और होगा रहा फ्यूचर कंटिन्यूस अभी क्या हमने सो रूल्स आप रिकॉल कर लीजिए हम चेंज करते हैं ही उसके साथ क्या आएगा विल बी स्लीपिंग ही विल बी स्लीपिंग ओके अब वह सोएगा सिंपल गा रहा होगा और सिंपल गा दैट इज सोएगा तो इसमें क्या करेंगे हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस ही विल स्लीप ओके ये तो हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमने इनको चेंज करने की कोशिश की है ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं खुद लिखिए हिंदी में उनको चेंज करिए इफ यू वांट टू रेदर गेन मास्टरी ओवर द लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश ओके कीप ऑन चेंजिंग कीप ऑन लर्निंग लर्निंग ऑल दीज टेंसेस एंड देन फ्रेमिंग सेंटेंसेस एंड देन चेंजिंग ट्रांसलेटिंग दिस वे वी कैन रेदर डू वंडर्स ओके सो इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्रिप्शन